Hi guys, my name is Nikhil and welcome to Find Easier. I'm back with another awesome video. और आज मैं आपको photodiode के बारे में बताऊंगा. Photodiode का जो application है वो बहुत ही कमाल का होता है. और ये photodiode का जो application आपने जरूर इसको देखा होगा. आपने कई सारे light dependent switches देखे होंगे कि जैसे उन पे light fall करती है, वो किसी भी जिस मशीन से भी connect होते हैं वो switches और तुरंत वो मशीन activate हो जाती है. आपने कई सारे alarm clocks देखे होंगे कि जैसे उन पे light fall करती है वो तुरंत ही activate हो जाते हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये photodiode कैसे काम करता है तो आप ये वीडियो देखते रहिए. My name is Nikhil and you're watching Find Easy. So let's the information begin. So guys, इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा photodiode क्या होता है. अब photodiode का जो डेफिनेशन है वो एक बहुत ही सिंपल सा होता है. वो ये होता है कि photodiode एक पीएन टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और ये रिवर्स बायस पे काम करता है. इसका जो ये जो दिखता कैसा है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है. इसमें आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ से दो एरो दिखाए गए हैं जो कि लाइट को दिखा रहे हैं कि हाँ लाइट इस पे फॉल कर रही है. और इसका जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो उसका अपर पार्ट है, मतलब जो photodiode का अपर पार्ट है, वो ओपन कर दिया जाता है लाइट की तरफ, मतलब जिसपे लाइट गिरेगी, और जो इनर पार्ट है वो पीएन टाइप जंक्शन होता है. तो अभी आपको रिवर्स बायस समझना है कि रिवर्स बायस क्या होता है. तो आपके सामने ये जो रफ इमेज है यही है पीएन टाइप, मतलब यही है पीएन टाइप जंक्शन. तो अब ये आपको जो इमेज दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा पी और एन. तो P जो है ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, N जो है ये N टाइप सेमीकंडक्टर है. ये दो अलग अलग सेमीकंडक्टर होते हैं, P टाइप और N टाइप. लेकिन जब हम P और N को कंबाइन कर देते हैं एक जंक्शन के थ्रू तो वो बन जाता है PN टाइप सेमीकंडक्टर. अब P और N के बीच में एक डिप्लेशन लेयर होता है जहां पे जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता चार्ज का. तो अभी इसमें देखिए, इसमें P और N टाइप है, जिसमें P जहां पे P लिखा हुआ है वहां पे आपको दिख रहा होगा एक होल्स का मूवमेंट, मतलब एरो दिख रहा है वहां पे होल्स है. तो मतलब वहां पे जो होल्स है वो होता है चार्ज कैरियर. P टाइप में जो होल्स है वो होता है चार्ज कैरियर, और N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं चार्ज कैरियर. मतलब दोनों में अलग अलग चार्ज कैरियर, जो चार्ज को कैरी करते हैं. P में होल्स चार्ज कैरी करते हैं जो, लेकिन N में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज कैरी करते हैं. लेकिन जैसे ही पहले जब बैटरी नहीं, जब एक्सटर्नल बैटरी हम नहीं लगाते तो ये दोनों का मूवमेंट नहीं होता है. लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो वहां से जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगता है. और जो नेगेटिव टर्मिनल है तो जो होल्स है पी टाइप का, जो होल्स है वो तुरंत नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगता है. जैसे हमने बैटरी लगाया तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करने लगेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जो एक्सटर्नल बैटरी है, और जो पी टाइप में होल्स है वो फ्लो करने लगेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो एक्सटर्नल बैटरी है. तो नेगेटिव जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिव होता है, जो एन टाइप होता है वो नेगेटिव. तो नेगेटिव हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो हमेशा फ्लो करते हैं पॉजिटिव की तरफ, और पी टाइप जो है वो पॉजिटिव होता है तो हमेशा फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ. अब जैसे ही एन टाइप इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो, हमें पता होगा इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो करते हैं तो करंट का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें भी बैटरी लगाते ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो किए तो करंट का फॉर्मेशन हो गया. अब तो ये नॉर्मल था रिवर्स बायस. लेकिन अब फोटोडायोड क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे ये जो रफ डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम, ये है फोटोडायोड का कि कैसे काम करता है. आपको तीन एरो दिख रहे होंगे ऊपर जो कि दिखा रहे हैं कि रेज गिर रहे हैं, मतलब सन रेज गिर रहे हैं डायरेक्ट. तो आपको देखिए पी साइड और एन साइड के बीच में आपको एक लेयर दिख रहेगी, इसे कहते हैं डिप्लेशन लेयर. तो जब लाइट नहीं गिरती, जब वो डार्क में रहता है, तो वहां पे जो एटम्स हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, जैसे मैंने वो बताया था. तो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती, तो कोई जो करंट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता. लेकिन जैसे ही इस पे करंट गिरता है एच न्यू, वहां पे आपको दिख रहा था एच न्यू जो है वो एनर्जी होती है फोटॉन्स की. तो जैसे ही वो एनर्जी, जैसे ही रेज गिरता है उसके ऊपर, तो क्या होता है कि तुरंत ही जैसे ही गिरती है तुरंत ही क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो जो एटम्स हैं वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तुरंत ब्रेक कर जाता है, और जो होल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल तरफ फ्लो करने लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ई जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल तरफ फ्लो कर लेते हैं. और जैसे ही ये दोनों फ्लो करते हैं तो जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी तुरंत फ्लो करने लगते हैं पूरे थ्रू आउट द सर्किट के अंदर. और हमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो तुरंत करंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. तो इससे तो लाइट फॉल करने से करंट का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटोडायोड.
करंट, जैसे ही करंट, जैसे ही लाइट फॉल किया और तुरंत करंट का, करंट का जो फ्लोइंग है वो स्टार्ट हो गया। हमने जो नॉर्मल रिवर्स बायस देखा था उसमें क्या था कि एक्सटर्नल बैटरी से करंट का फॉर्मेशन होता था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लाइट, लाइट के थ्रू करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो डायोड। फोटो मीन्स क्या हो गया, फोटो मीन्स हो गया कि लाइट, और डायोड मीन्स पीएन जंक्शन, तो यही है फोटो डायोड। अब इसके जो एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे वो बहुत ही कमाल के हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि जो अलार्म क्लॉक्स होते हैं, अलार्म क्लॉक्स आपने देखा होगा कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि जैसे ही 6 बजते हैं, फिर जैसे ही रोशनी आती है, जैसे ही वो उस पर फॉल करती है, जो अलार्म क्लॉक है वो तुरंत ही बजना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें ऐसे क्या होता है कि जब पीएन जंक्शन में कोई बैटरी नहीं कनेक्ट होती, कोई भी कुछ नहीं होता, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होता है, जो जो फोटोडायोड है उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि वहां पे फिर एटम्स का मूवमेंट होता नहीं है, तो कोई वहां पे तो करंट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो अलार्म नहीं बजता। लेकिन जैसे ही लाइट फॉल करता है तो तुरंत जो फोटॉन्स है, जो एच और ई का कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं एन टाइप की तरफ, एच तुरंत पी टाइप की तरफ, तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करती है हमारा अलार्म बजने लगता है। तो ऐसे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस और भी इन्वेंट किए जाएंगे जो कि हमारे बहुत ही काम आ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, माई नेम इज निखिल एंड यू वॉचिंग फाइंड इजी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक।